एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जो आप लोगों के लिए वैकेंसी लेकर आए हैं वो निकली है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है। इसमें आप लोगों के लिए दोस्तों वैकेंसी आउट हुई है। ये पक्की सरकारी नौकरी है दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया से इस वैकेंसी को कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप मेल है, फीमेल है, फ्रेशर्स है, किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी दोस्तों आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कौन कौन सी वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एज क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। उससे पहले आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों के लिए वैकेंसी निकली है वो निकली है असिस्टेंट की, जिसमें कि दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है दोस्तों कि आप यहाँ पर ग्रेजुएट होने चाहिए। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर आपके दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो आप इस वैकेंसी को फुलफिल नहीं करते हैं, आप एलिजिबल नहीं है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग की ऑन पीसी पे। अगर आप इन दोनों चीजों को क्वालिफाई करते हैं तो आप इस वैकेंसी को दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी एज मांगी गई है दोस्तों वो मांगी गई है 20 साल से 28 साल तक की। लेकिन दोस्तों अगर आप एसटीएससी से है तो यहाँ पर आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी है तो 3 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 10 साल का यहाँ पर आपको दोस्तों एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बात करी जाए यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी 47,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 47,000 रुपए यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बात करी जाए नंबर ऑफ पोस्ट की जो निकली है वो निकली है दोस्तों 450। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल पोस्ट यहाँ पर 450 निकली है। लेकिन दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जो ये वैकेंसी आउट हुई है ये आउट हुई है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इंक्लूडिंग दिल्ली। दिल्ली में भी यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी आउट हुई है, जिसमें कि आपकी दिल्ली की पोस्ट है 28। बाकी दोस्तों सारे स्टेट्स को मिला के जो ओवरऑल पोस्ट निकली है वो निकली है 450। यहाँ पर दोस्तों आपको जैसे पता है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। आप जिस भी स्टेट के हैं, सुननी समझनी आपको यहाँ पर अपनी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपको जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी पे करनी होगी, जो कि आपकी रहेगी जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 450 रुपए प्लस 18% जीएसटी चार्जेस। एसटी एससी के लिए यहाँ पर दोस्तों जो आपकी फीस रहेगी वो रहेगी 50 रुपए इंक्लूडिंग 18% जीएसटी चार्जेस। इस फॉर्म को फिल करने की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी दोस्तों वो रहेगी 4 अक्टूबर 2023। यहाँ दोस्तों 4 अक्टूबर 2023 से पहले पहले आपको यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर देना है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा आपके यहाँ पे दो एग्जाम होंगे दोस्तों, प्री एंड मेंस। यहाँ पर दोस्तों जो आपकी प्री एग्जाम की डेट दी गई है वो दी गई है एडवर्टीजमेंट में 21 अक्टूबर एंड 23 अक्टूबर। और दोस्तों जो आपकी मेन एग्जाम की डेट दी गई है वो दी गई है दोस्तों यहाँ पर 2 दिसंबर। तो दोस्तों ये डेट्स जो है वो चेंज भी हो सकती है अगर आरबीआई चाहे तो, ये कन्फर्म डेट्स नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप रेगुलरली वेबसाइट को गो थ्रू करते रहिएगा फॉर एनी कोरिजेंडम एंड नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपका प्री एग्जाम में जब आप क्वालिफाई रहेंगे तो आप मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं। मेन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर आपका जो होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो दोस्तों इसीलिए होगा कि आप जिस स्टेट में आपकी पोस्टिंग करी जाएगी आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। तो दोस्तों इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप अपनी स्टेट के लिए ही यहाँ पर अप्लाई करें, ताकि आपके लिए बहुत आसान रहे इस पोस्ट को हासिल। एडवर्टीजमेंट का लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एडवर्टीजमेंट को दोस्तों अपने आप रीड जरूर करिएगा। एडवर्टीजमेंट काफी ब्रीफ में है, जब आप उसे खुद पढ़ेंगे तो आपको उसमें काफी चीजें जानने के लिए मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग आर वीडियोज़।